नमस्कार प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे वनों के प्रकार। उसमें पढ़ा था उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन, पर्वतीय वन और वेलांचली व अनूप वन। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन जो थे, इसके बारे में पढ़ा था हमने। ये वन पश्चिमी घाट और पश्चिमी ढाल में थे, इसके बारे में हम कल पढ़ चुके थे। इसकी प्रमुख जातियों के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। आज पढ़ेंगे हम उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन भारतवर्ष में ये वन बहुतायता से पाए जाते हैं। इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक होती है। यह जल उपलब्धता के आधार पर इन वर्गों को आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वनों में यानी विभाजित किया गया। यानी इसका विभाजन वर्षा के आधार पर, यानी कितना पानी कहाँ मिलता है उसी के आधार पर किया गया है। आर्द्र पर्णपाती वन जो क्षेत्रों में पाए, उन क्षेत्रों में पाए जहाँ वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर औसत होती है। ये वन उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमाचल के गिरिपद, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों और उड़ीसा में उगते हैं। सांगवान, साल, शीशम, उरा, मुआ, आंवला, सेमल, कुसुम और चंदन आदि प्रजातियों के वृक्ष इन वनों में पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती जो वन हैं, देश के उन विमुक्त भागों में मिलते हैं जहाँ वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। आर्द्र क्षेत्रों की इन ओर से ये वन पर्णपाती और शुष्क क्षेत्रों की ओर से कांटेदार वनों में मिलते हैं। ये वन प्रायद्वीप के अधिक वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं, यानी उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। अधिक वर्षा वाले प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी भारत के मैदानों में ये वन पर्कनुमा दृश्य मिलते हैं। यहाँ सागवान अन्य पेड़ों के बीच हरी भरी घास होती है। शुष्क ऋतु शुरू होते ही इन पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं और घास के मैदान में नगर पेड़ खड़े रहते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले प्रमुख पेड़ों में तेंदू, पलास, अमलतास, बेल और खेर और अक्सलवुड आदि है। राजस्थान के पश्चिमी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा, अत्यधिक पशुपचारण के कारण प्राकृतिक वनस्पति बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। उसके बाद आता है उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। यह उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। इन वनों में कई प्रकार के घास और झाड़ियाँ शामिल हैं। इनमें दक्षिण पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्र शामिल हैं। इन वनों में पौधे लगभग पूरे वर्ष पर्ण हरित रहते हैं और झाड़ियाँ जैसे लगते हैं। इसमें पाई जाने वाली मुख्य प्रजातियाँ बबूल, बेर, खजूर, बेखेर, नीम, खेजड़ी और पलास आदि हैं। इन वृक्षों के नीचे लगभग 2 मीटर लंबी गुच्छ घास उगती है। उसके बाद आते हैं पर्वतीय वन। पर्वतीय वन पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई के साथ तापमान घटने के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। इन वनों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, उत्तरी पर्वतीय वन और दक्षिण पर्वतीय वन। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला में उष्ण कटिबंधीय वनों के टुंड्रा क्षेत्रों में पाए जाने वाले प्राकृतिक वनस्पति है। हिमालय के गिरिपद और पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसके बाद 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। उत्तर पूर्वी भारत की उच्चतर पहाड़ी श्रृंखला और पश्चिम बंगाल और उत्तरांचल के पहाड़ी इलाकों में चौड़े पत्ते वाले ओक और चेस्टनट जैसे सदाबहार वन पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में 1500 से 1750 मीटर की ऊंचाई पर व्यापारिक महत्व वाले चीड़ के वन पाए जाते हैं। हिमालय के पश्चिमी भाग में बहुमूल्य वृक्ष प्रजातियां देवदार के वन पाए जाते हैं। देवदार की लकड़ी अधिक मजबूत होती है और निर्माण कार्य में भी प्रयुक्त होती है। इसी तरह चिनार और वालन जिसकी लकड़ी कश्मीर हस्तशिल्प के लिए इस्तेमाल होती है, पश्चिम हिमालय क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ब्लू पाइन और सुपरूपा से 2225 से 3.4 मीटर की ऊंचाई पर दो पॉइंट पच्चीस से तीन पॉइंट चार किलोमीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इस ऊंचाई पर कई स्थानों पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास भी उगती है। इससे ऊंचाई अधिक ऊंचाई पर एल्पाइन वन और चारागाह पाए जाते हैं। 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर सिल्वर फर, जूनियर पाइन, बर्चर, डोक, ड्रेंडाइड आदि वृक्ष मिलते हैं। ऋतु प्रवास करने वाले समुदायों जैसे गुजर, बकरवाल, गड्डी और भुटिया इन चरगाहों का पशुचारण के लिए भरपूर प्रयोग करते हैं। शुष्क उत्तर जालों की तुलना में अधिक वर्षा वाले हिमालय के सक्षम ढालों पर अधिक वनस्पति पाई जाती है। अधिक ऊंचाई वाले में टुंड्रा वनस्पति जैसे मॉस व लाइकन आदि पाई जाती है। दक्षिण पर्वतीय वन मुख्यतः प्रायद्वीप के 3 भागों में मिलते हैं, पश्चिमी घाट, विंध्याचल और नीलगिरी पर्वत श्रृंखला है। चूंकि ये श्रृंखला उष्ण कटिबंध में पड़ती है और इनकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 1500 मीटर होती है, इसलिए यहाँ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शीतोष्ण कटिबंधीय और निचले क्षेत्रों में उपोष्ण कटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक प्रांतों में पश्चिमी घाट इस तरह की वनस्पति विशेषकर पाई जाती है।
नीलगिरी, अन्नमलाई और पालनी पहाड़ी पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को शलास के नाम से भी जानते हैं। इन वनों में पाए जाने वृक्षों में मैग्नोलिया, लेरल, सिनकोना और वेटल का आर्थिक महत्व है। ये वन सतपुड़ा और मिकाल श्रेणी में भी पाए जाते हैं। यानी हमने आज पढ़ लिया उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों के बारे में पढ़ लिया, उसके बाद उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वनों के बारे में पढ़ लिया, उसके बाद हमने पर्वतीय वनों के बारे में पढ़ लिया, उसके बाद है वेलांचली व अनूप वन। यानी आज वनों के सारे प्रकार पूरे हो जाएंगे। भारत में विभिन्न प्रकार के आर्द्र व अनूप आवास पाए जाते हैं। इसमें 70% भाग पर चावल की खेती की जाती है। भारत में 39 लाख हेक्टेयर भूमि आर्द्र है। उड़ीसा में चिल्का और भरतपुर में केलवा देवी राष्ट्रीय पार्क अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों के अधिवेशन के अंतर्गत रक्षित जलकुट आवास है। हमारे देश की आर्द्र भूमि को 8 भागों में रखा गया है, जो इस प्रकार दक्षिण में दक्कन के पठार के जलाशय और दक्षिण पश्चिमी तटीय क्षेत्र की लेगुन भूमि, राजस्थान, गुजरात और कच्छ की खारे जल वाली भूमि, गुजरात राजस्थान से पूर्व और मध्य प्रदेश की ताज़ा जल वाली झीलों व जलाशय, भारत के पूर्वी तट पर डेलाटाई आर्द्र भूमि व लेगुन, गंगा के मैदान में ताज़ा जल वाले कच्छ क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ के मैदान में उत्तर पूर्वी भारत और हिमालय, गिरिपद के कच्छ और अनूप क्षेत्र, कश्मीर और लद्दाख के पर्वतीय झीले और नदियाँ, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के द्वीप चालों क्षेत्रों के मैंग्रोव वन दूसरे आर्द्र क्षेत्र हैं। मैंग्रोव लवण कच्छ तजवारिय सैकड़ी खाड़ी पंख मैदानों और जवाहर के तटीय क्षेत्रों पर उगते हैं। इसमें बहुत से लवण से न प्रभावित होने वाले सड़े पौधे होते हैं। बंदे जल व जवरियरीय प्रवाह की संकरी खाड़ियों से आड़े तिरछे ये वन विभिन्न किस्म के पक्षियों को आश्रय प्रदान करते हैं। भारत में मैग्रोव वन 6,740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं, जो विश्व के मैग्रोव क्षेत्र का 7% है। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। वे पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा के अत्यधिक विकसित हैं। इसके अलावा ये महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टाई भागों पर वनों के बढ़ते अतिक्रमण का इनका संरक्षण आवश्यक हो गया है। ये थे वनों के प्रकार जिनके बारे में हमें पढ़ना था, पढ़ लिया। अब अगला जो चैप्टर रहेगा, अगला जो टॉपिक रहेगा, भारत में वन आवरण किस तरह है, ये हम कल पढ़ेंगे और ये लगभग लेसन कल अपने समाप्ति की ओर कर देंगे। थैंक यू।